आज कोई वेलकम वेलकम नहीं होगा, आज डायरेक्ट रिव्यू होगा। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन तू इतना गुस्से में क्यों बात कर रहा है? अबे मैं अभी भी एनिमल देख के हूँ और इतना खतरनाक ब्रूटल सिनेमा देखा हूँ कि मेरा दिमाग से गुस्सा हट ही नहीं रहा है। हाँ, इतना खतरनाक एक्शन, रणबीर कपूर का एक्टिंग, अनिल कपूर, बॉबी देओल का ऑसम लुक और तो फिल्म का कहानी, एक्शन पापा, ये सब बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो आप सिर्फ वीडियो में बने रहे। देखो, हम तो पहले बात माफी चाहेंगे क्योंकि हमने पहले बोला था सैम बहादुर का रिव्यू लाएंगे, लेकिन हो नहीं पाया। उसका कारण आपको आगे बताते, इससे पहले इस मूवी का रिव्यू दे देते। एनिमल एक बात में अगर बोले तो फुल ब्रूटल सिनेमा है। जी हाँ, जब संदीप रेड्डी वंगा ने बोला था ये कबीर सिंह से 10 गुना ज्यादा वायलेंस दिखाएगा, लेकिन मेरे मानो इस फिल्म में 100 गुना ज्यादा दिखा दिया कबीर सिंह से। जी हाँ, इस फिल्म का मेन पॉइंट ही है इसका एक्शन, उसके बाद रणबीर कपूर का एक्टिंग। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। देखो, फिल्म रिव्यूअर होने के नाते सबको चीज नोटिस करना पड़ता है, कौन सा चीज अच्छा लगा, कौन सा चीज खराब लगा, और उसी में जो खराब लगा हमको वो बता देते। खैर इसको बाद में बताते, उससे पहले अच्छा वाला जान लेते। देखो, जब फिल्म देखने गया था तो ये थिएटर फुल हाउसफुल था, तब 8 बजे का शो था। लेकिन फिल्म का जब फास्ट अप हुआ तब सबके मन में एनिमल चलाया था, मतलब सब लोग गुस्से के मारे देख रहा था इसके बाद क्या होने वाला है। फास्ट अप में स्टोरी को बिल्ड करवा दिया गया था और इतना एक्शन सीन दिखाया गया वो आप जब देखेंगे आप समझ जाएंगे रणबीर क्यों इतना खूंखार बना। और उसके पीछे जो कजन ब्रदर है, वो जो पंजाबी गैंग देखा था, उनका कजन ब्रदर होता है। और उसके बाद फास्ट अप में आप बॉबी देओल को भी नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि वो सेकंड अप का कहानी है। लेकिन फास्ट अप आपको जबरदस्त एक्शन धमाके के साथ खत्म करेगा। और वहाँ पर ही फिल्म का विलेन यानी बॉबी देओल का एंट्री कराएगा, वो एहसास कराता है। देखो, फिल्म बहुत ही लंबा है, इसीलिए फर्स्ट टाइम करीबन 1 घंटा 40 से 42 मिनट के आसपास दिखाए गए। लेकिन इतना तक देखने के बाद ही कोई भी ऑडियंस बोल्ड नहीं हुआ था, सिनेमा हॉल में हलचल मचा हुआ था। और हाँ, सबके मन में जो सवाल था, क्या बॉबी देओल कुछ बोलेगा या फिर साइलेंट विलेन? जी हाँ, वो बोलेगा, वो कोई साइलेंट विलेन नहीं है, वो ओरिजिनल में बात करता है। तो देखो, सेकंड हाफ में जो एक्शन दिखाया गया हमें उसके हिसाब से फर्स्ट हाफ का एक्शन काफी अच्छा लगा, लेकिन सेकंड हाफ का जो एक्शन लेवल था वो बहुत ही ज्यादा था। अब अगर फिल्म का अच्छे की बात करें तो देखो, इसमें सबसे अच्छा लगा इसका एक्शन, उसके बाद रणबीर कपूर के एक्टिंग, उसके साथ साथ अनिल कपूर और बॉबी देओल का परफॉर्मेंस ऑसम था, और साथ ही साथ इसका बीजीएम, मतलब जब भी एक्शन हो रहा है उससे पहले जो म्यूजिक आ रहा है वो बहुत ही ऑसम लग रहा था, मतलब अंदर से गूज़बम्प दे रहा था। लेकिन फिल्म का जो कमजोरी लगा, हाँ, रश्मिका, जब रश्मिका यहाँ पर एंट्री लेता है तब तक ही हमको लगा कि फिल्म का कहानी स्लो हो गया है, लेकिन रश्मिका को अच्छा लग रहा है देखने में। और वो गाना वाला सीन, और देखो भाई साहब, मूवी का लेंथ भले ही बहुत बड़ा है लेकिन इसका एक्शन देखते देखते अब थकोगे नहीं। और क्या ही बोले मूवी के बारे में, इससे ज्यादा बोलेंगे तो स्पॉइलर दे देंगे। देखो, मूवी का कहानी सभी जानते हैं, बाप बेटे का कहानी होगा जहाँ पर बाप के वजह से लड़का डॉन बन जाता है और वहाँ से खूंखार एनिमल बन जाता है। लेकिन वहाँ पर बॉबी देओल का जो कहानी है वो भी अच्छा है। तो देखो, ज्यादा देर ना करते हुए आप अगर ये मूवी नहीं देखी हो तो जल्द से जल्द जाओ टिकट कराओ और मूवी देखो। और हाँ, ये मूवी सिर्फ 100 करोड़ में बना है जो कि सिर्फ एक दिन में इससे ज्यादा कमा लेगा। तो भाई साहब, अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, हम सैम बहादुर की इतना तारीफ करके वो मूवी क्यों पहले नहीं देखने गया? उसका कारण है हमारा दोस्त। जी हाँ, हम उसको टिकट करने के लिए बोले थे सैम बहादुर का पहले, लेकिन वो साला रात को टिकट कराया सैम बहादुर का और वो खुद देखेगा एनिमल बोल के, इसीलिए पहले एनिमल का टिकट कराया और इसीलिए हमको एनिमल देखने पहले जाना पड़ा। लेकिन हाँ, सैम बहादुर का रिव्यू भी जल्दी आएगा, आप जब ये शायद वीडियो देख रहे होंगे हम तब हॉल में सैम बहादुर देख रहे होंगे। और हाँ, जाने से पहले अगर आपने एनिमल देख लिया, आप एक डायलॉग रणबीर कपूर के यहाँ पर बोल के जाना, आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं। तो फिर मुलाकात होगा अगला वीडियो में कुछ एक नया टॉपिक के साथ, एक नया मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय। सब कुछ ही मिटा देंगे।
अगर तुझे हो गया कुछ, सारी दुनिया जला देगा।